So, hello guys, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? और गाइज स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइज डार्क सर्वाइवल दी बोल का आर्क प्राइमल लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि हमारे पास और काफी सारे ऐसे डायनोस हैं जिनको हम लोग टेम करके भाई उनके जो है ना डैमेज वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि ये जो हमारा यहाँ पे स्केलेटन वाला टायरनोसोरस रेक्स है उसके उससे ज्यादा उनका डैमेज जाएगा। बाकी तो इस रेक्स को हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी ना बॉस से भिड़ाने वाले, जो अगला टायर का बॉस होगा ना उसको हम लोग डायरेक्टली स्केलेटन वाले इस रेक्स से भिड़ाएंगे। और आज का प्राइमल फेयर का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी की चैनल की, सो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। उनके चैनल के भी अलग अलग वीडियोज आर्क और दूसरे गेम्स की आती रहती है। और गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे भाई सर्वर बनाने आर्क पीसी के और अपने दोस्तों के साथ मजे करने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है यार, वहां पे जाइए, वहां से अगर अभी सर्वर बनाते हो तो तगड़ा वाला डिस्काउंट मिल रहा है। सो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और मैंने गाइस दो, एक आर्क पीसी का और एक आर्क मोबाइल का नया चैनल खोला है। उन चैनल पे ना भाई एक एक डेली वीडियो आती है आर्क पीसी की और आर्क मोबाइल की। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन वीडियोस को देखने के लिए, सो कम्युनिटी टैब में उन चैनल का लिंक मिल जाएगा आप लोग को, और शॉर्ट वीडियोस के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप लोग उन चैनल को चेकआउट करके वहां पे जो वीडियो है आर्क मोबाइल की डेली और आर्क पीसी की एजी रिबॉर्न की डेली वीडियोस आप लोग वहां पे देख सकते हो एक एक गाइज। और यार अपना जो चैनल है ना गाइज काफी टाइम से डाउन भी चल रहा है, सो मेक श्योर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको पूरी की पूरी देखो, स्किप विदाउट करें। और गाइज हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना गाइज, और जो एड्स वगैरह आते हैं वो भी अगर आप स्किप ना करो और पूरे देखोगे ना तो भी चल जाएगा यार, कोई सीन नहीं है। बाकी तो अभी आज ना हम लोग क्या करने वाले बताए, यहाँ पे देखो हमारे पास एक इंडोमेस रेक्स है जिसको हम लोग ने काफी टाइम पहले मारा था, बट उस रेक्स का टेमेबल वर्जन जो था वो हम लोग ने अभी तक टेम नहीं करा है, और वो टेमेबल वर्जन अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, और उसी टेमेबल वर्जन को टेम करने का अभी आज के इस एपिसोड में मैंने ठान लिया है, और उसी को टेम करने के लिए मैं जाने वाला हूँ आज। रुको, मैंने उसका टेमेबल वर्जन ले लिया है, एंड सिलेस्टल वाले केबल चाहिए होंगे भाई, दो केबल से तो टेम हो जाएगा मेरे को लग रहा है, तीन केबल बना लेता हूँ, चलो तीन केबल बनाते, तीन केबल बनाते यहाँ पे। ये ओमेगा वाला केबल क्या कर रहा है यहाँ पे, रुको ब्लड वगैरह मैं यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा सा संभाल के, मेरे पास थोड़ा ओरिजिन वाला ब्लड भी पड़ा हुआ है, दो ही पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है। एंड इंडोमेस रेक्स का सैडल यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र करके रखा था, ये रहा, ठीक है चलो केबल वगैरह बन चुके हैं, उनको उठाते हैं और पटाक से आज करेंगे गाइस हम लोग बॉस टेमिंग। हमारे पास रिपर बॉस आ चुके हैं और अभी हमारे पास इंडोमेस रेक्स बॉस है वो भी आ जाएगा। ओ यस लेट्स गो, वैसे इसको टेम करना भाई बच्चों का खेल है, ठीक है बच्चों का खेल है। इसको थोड़ा आगे चल के स्पॉन करते हैं, क्या ना थोड़ा सा अगर कुछ इधर उधर निकल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और अपने बेस के ऊपर भी जो ना उसके कांटे वाले अटैक जा सकते हैं और हमारे डायनोस को भाई डैमेज पड़ सकता है, इसलिए बेस से काफ़ी ज़्यादा दूर में लेके आ चुका हूँ। और अभी मैं इसको स्पॉन कर रहा हूँ, बस हाई लेवल का स्पॉन हो जाए आप, ठीक है हाई लेवल का स्पॉन हो जाए। ऑल राइट लेट्स गो। वन, क्या दिस क्रिएचर कैन बी नॉकआउट यूजिंग नॉर्मल मीन्स एम इन एयर बिफोर कंज्यूमिंग। अच्छा पता नहीं क्या लिखा था, इधर आ जा, खत्म, इजी पीजी यार, इजी पीजी। इसके काटो वाले अटैक से बचना है बस खाली, मैंने इसके ऊपर जो ना गाइस अपनी ओरिजिन वाली, ओए अरे काटे देख के मारा भाई, स्टन भी देता है इसका काटा, ओ शिट, ओ शिट उसने रोड मारी, अपना कोई और अटैक नहीं करा, अगर कोई और अटैक करा होता ना तो अभी मेरी पेट ही बन चुकी होती। वाह रे बाबा, बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया गाइस। ओके इज दैट डिमोनिक,
वो तो डिमोनिक तो नहीं है? अरे डिमोनिक क्या प्रो यार, ये अलग से उंगली करेगा। अबे यार इंडो भाई थोड़ा साइड आ जाओ ना यार। डिमोनिक कैप्रो को मैं साइड करता हूँ, और इंडो भाई तो साइड नहीं आने वाले। इधर इधर अंकल, कम 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 यार। अरे 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 कम यार, चलना है, आना इधर आना, दूंगा तेरे को जाबड़। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? दू इसको, मार ही दू क्या गाइस, मार ही दू। ले ले भाई पट्टे से बम शॉट। अबे जंप मार देगा, संभल के थोड़ा संभल के रहना है, जंप वगैरह मारी ना। हाँ हो गया, अच्छी है। व्हाट काय चिल्ला रहा भाई, इसको डैमेज नहीं पड़ना चाहिए। पापा का परा इधर, पापा का परा। चलो मार दे सबको, अभी आराम से जाना है बस, और इसको किबल खिलाने। कितने? दो ही किबल, मैं तीन लेके आया भाई, तीन। दो मांग रहा, मैं तीन लेके आया, रुक जाऊं। इसको खिलाने दो बस, सिलेस्ट्रल केबल तीन भाई, तीन। ये ले एक वापस दे दे, दो ही खा ले चुपचाप से, ठीक है। चलो हो गया। कितने लेवल का था? 650 लेवल का था, 974 लेवल का हो चुका है। इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं सैडल। आ जाओ, चलो हमारा दूसरा बॉस भी गाइस यहां पे हुई टेम हो के रेडी है। ये रहा गाइस हमारा सिलेस्ट्रल इंडोमेस इंप्रर बॉस। देख रहे हो, देख रहे हो, हमने दूसरा वाला बॉस भी टेम कर लिया। पहला वाला बॉस और दूसरा वाला बॉस दोनों साथ में दिखाता हूँ आपको मैं। रुको, रिपर कहाँ पे भाई? डिमोनिक रिपर इंप्रेस, ये देखो, ये जो हमारे टायर थ्री वाले बॉसेस थे दोनों के दोनों, वो हम लोग ने टेम कर लिए। ये देखो, एक तो हमारी डिमोनिक रिपर इंप्रेस और एक हमारा सिलोस्टल इंडोमेस इंप्रेस भाई, ठीक है। ये देखो, ये रही हमारी, अरे अनफॉलो कर ले भाई, ये रही हमारी गई यहाँ पे बॉस आर्मी, ठीक है। ये टायर थ्री के दोनों बॉस यहाँ पे टेम होके रेडी है। आप लोग ने रिपर की पावर तो देख ली है, अभी देखते हैं गाइस ये इंडोमेस रेक्स यहाँ पे क्या क्या कर पाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आ जाओ। चलो, जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंडोमेस रेक्स ना खास कुछ यहाँ पे डैमेज वगैरह दे नहीं पाएगा, और इसका कुछ खास जो नहीं, जहाँ पे जलवा हम लोग देख नहीं पाएगा। फिर भी चेकआउट कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा गेम काउस कम कर लेता हूँ, और देखते हैं इंडोमेस रेक्स यहाँ पे क्या क्या कर पाता है। आ जाए इंडोमेस रेक्स, इसकी लेवल अप कर लूँ पहले। कितने? 10 मिलियन हेल्थ अभी हुई है क्या इसकी? अभी 10 मिलियन हेल्थ हुई है। रुको रुको, जरा सबर करो। 20 मिलियन, ठीक है, 25 या 30 मिलियन तक इसकी हेल्थ जाएगी। बचे हुए सारे पॉइंट में डाल रहा हूँ इसके मिली डैमेज में। इसके पास जो सैडल है उसका आर्मर है 800, ठीक है। सो आर्मर जो है सैडल वाला, वो भी तगड़ा वाला है। सो हेल्थ में ज़्यादा पॉइंट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अपना आर्मर अपन को बचाएगा। सैडल वाला आर्मर है, इतना खतरनाक डैमेज दे रहा है, कह रहे तू भाई बॉस के नाम पे दबाओ भाई इसके। क्या कर रहे हो भाई लोग, तुम क्या कर रहा भाई तू, इतना कम डैमेज। आए हाय, अरे मरी जावा मैं, इम्प्रिंट करने दो इसको। रुको, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड भाई खराब कर दिया भाई। इतना घटिया डैमेज कैसे दे सकता है कोई? अबे ये मत बोला इम्प्रिंट भी नहीं। वाह भाई वाह, इम्प्रिंट ना हो रहा है तू क्या? इंडोमेस रेक्स कब से इम्प्रिंट ना होने लग गया भाई? इम्प्रिंट नहीं हो रहा है, बताओ क्यों बाबा, क्या हो गया तेरे को, इम्प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? हो गया इम्प्रिंट, फाइनली जाके इम्प्रिंट हुआ है भाई, ठीक है। 28 मिलियन गाइस यहाँ पे इसकी हेल्थ हो चुकी है। अभी देखते हैं इसका डैमेज कितना जा रहा है। अटैक वगैरह भी पहले आपको मैं अटैक दिखा दूँ इसके सारे, ठीक है। सो हमारा जो इंडोमेस रेक्स है, इसके पास कौन कौन से अटैक्स है? इसके पास है बाइट अटैक, मुंह से फायर छोड़ने वाला अटैक, सी पे काटे फेंकने वाला अटैक। ये काटे किसी को स्टन भी कर सकते हैं गाइस। एक्स पे ऐसे टाइम पास के लिए चिल्लाने वाला अटैक, और कोई अटैक नहीं, बस टाइम पास के लिए चिल्ला रहा है। कंट्रोल पे, क्यू पे, आर पे, जेड पे कोई अटैक नहीं, बस इतने अटैक इसके पास है। अभी देखते हैं इसके हर एक अटैक का यहाँ पे डैमेज कितना जा रहा है। पहली फाइट वाले अटैक 1.6 मिलियन। ए पावर अप, पावर अप, पावर अप, पावर अप, पावर अप भी कर सकते हम लोग हमारे इंडोमेस रेक्स को। हाँ यस, पावर अप कर दिया मैंने। अभी डैमेज 2.5 मिलियन, उतना भी ज्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा तो बढ़ गया। 2.5 मिलियन का बाइट अटैक, वंस अगेन रुको, यस 2.5 मिलियन का बाइट अटैक है, फायर अटैक।
फायर अटैक का डैमेज। ओके लगभग 1 मिलियन का फायर अटैक है, ठीक है। सी वाला अटैक, काटो वाला अटैक है। वो डिमोनिक को उंगली कर दी गलती से, मैंने मर गया क्या? जिंदा है? जिंदा होगा तो अटैक करने आएगा। अबे जल के भस्म हो गया वो तो, मेरा बर्निंग अटैक भी बढ़ रहा है काटू से। मर गया गाइस वो, मुझे लगा भाई वो जिंदा रहेगा, मर गया। लेकिन मेरे जो काटे ना गाइस, साथ में बर्निंग अटैक भी देते हैं, बर्निंग अटैक फ्री। अच्छा उसको लगाए नहीं, ड्रैगन को बाइट अटैक से मारूंगा मैं। चल चल, काटे फेंक रहा था, काटे फेंकने से पहले इसको मार दिया मैंने। अच्छा 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 है गाइस, चलो उतना भी बुरा नहीं है और उतना भी खतरनाक नहीं है, ठीक है। इसके अटैक का एनिमेशन लेकिन काफी ज्यादा कूल लग रहा है। ओए भाई इसको तो मार दो भाई, इसको मार देंगे हम लोग, इसको मार देंगे। रुको, डर है क्या? काटे डाल, काटे काटे डाल, काटे वाला अटैक का एनिमेशन देखो, एनिमेशन देखो, खतरनाक लगता है ना गाइस, खतरनाक लगता है ये एनिमेशन यार। रुको गाइस, इसकी पेटी बना दो जरा। खल्लास क्या खाता हम? सीधा पेटी भाई, सीधा पेटी बना डाली। और ये वाला पूरा एरिया मैंने अपना काटो वाला अटैक डाल डाल के क्लियर कर दिया है, देख रहे हो? एक भी पेड़ भाई यहाँ पे बचा नहीं है, एक भी पेड़ नहीं बचा है। देखो बूम बोल दे बॉय, बूम बोल दे, खतरनाक खतरनाक। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सबकी पेटी बनाऊंगा मैं, सबकी पेटी बनाऊंगा भाई। सबकी बैंड बजा रहा है यार सच में ये, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई बर्निंग बर्निंग डैमेज नहीं पड़ता है इसका, कि जो काटो वाला अटैक है वो फायर डैमेज देता है, बट उतना तगड़ा नहीं पड़ता है जितना भाई अपने दूसरे डायनोस का, लाइक डिमोनिक बिमोनिक डायनोस का पड़ता है बर्निंग डैमेज, ठीक है। तो ये उतना भी ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, बट ठीक है। हमने दो बॉस गाइस यहाँ पे मारे थे, उसमें से एक बॉस गाइस टेम करना बचा था, तो वो बॉस भी हमने टेम कर लिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है गाइस? मेरे पास अभी तक कोई भी फ्लायर डायनो नहीं है, फ्लायर डायनो नहीं बोले तो ऐसा कोई फ्लायर डायनो नहीं है जो किसी बॉस वगैरह को हवा से उड़ उड़ के मार सके। इसलिए आज के इस वाले एपिसोड में मैं या तो अर्जेंटेवी सिलेस्टियल वाला या तो ग्रिफिन सिलेस्टियल वाला, जो भी गाइस यहाँ पे स्पॉन होगा उसको टेम करो, ठीक है। इसको पहले मैं घर पे रख के आ जाऊँ, उनको घर पे। वैसे चल चल के हम लोग पहुँच गए गाइस, घर पे पहुँच गए यार। इसकी साइज काफ़ी बड़ी है, इसको घर पे नहीं रख सकता। उनको मैं सारा सामान अपने इन्वेंटरी में लेता हूँ, फिर इसको क्राइव कर देता हूँ। इसकी साइज़ अगर भाई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो मैं रख देता यहाँ पे इसको, पर इसकी साइज सच में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी है। इसको भाई अपने पाइक जो है वो डैमेज दे रहे हैं भाई फ्री पॉइंट में। चल आ जाओ, ओके इसको क्राइव कर लूँ मैं, इधर आ, लेट्स गो। अभी मैं देखता हूँ कि सिलेस्टल वाला ग्रिफिन और सिलेस्टल वाले फ्यूरॉक्स में से कौन सा डाइनो अपने मैप पे स्पॉन हुआ है, ठीक है। सिलेस्टल, ओ सिलेस्टियल थाइलो, हुई थाइलो भाई नहीं चाहिए, अर्जेंटेविस। लेट्स गो लेट्स गो, सिलेस्टियल अर्जेंटेविस है 2000 मीटर दूर, अब भी जाके टेम करके लाता हूँ। ओ उसके लिए किबल चाहिए होंगे, रुको मैं फटाफट से उसका सैडल भी बनाता हूँ और किबल भी बनाता हूँ, ठीक है। उसका सैडल भी बनेगा सिलेस्टियल वाला, सिलेस्टियल अर्जेंटेविस, ये बनेगा सिलेस्टियल वाले अर्जेंटेविस का सैडल, और उसके लिए किबल भी बनाने सिलेस्टियल वाले। सिलेस्टियल वाले 3 किबल लगभग, तीन किबल ना, कितने लेवल है जरा एक बार देख लूँ मैं, 750। 2 किबल बनाता हूँ, मेरे पास आई थिंक से एक किबल पड़ा है, हाँ एक किबल पड़ा हुआ है मेरे पास, रुको मैं 2 किबल बना लेता हूँ, एक एंड ये यहाँ पे 2। मैंने अर्जेंटेविस का सैडल नहीं लिया अभी तक, रुको सिलेस्टियल वाला, ये अपना अर्जेंटेविस का सैडल भी ले लिया, 2 किबल भी ले लिए। गेम का आवाज़ जो है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और हमारे ग्रिफिन कौन को लेके चल देगा इस सेलेस्टियल वाले अर्जेंटेविस को यहाँ पे टेम करने के लिए। वैसे बॉस को भाई काफ़ी ज़्यादा जल्दी हम लोग ने टेम करा है, और बॉस में दिखाने लायक कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम लोग अर्जेंटेविस को टेम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप देख रहे हो और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो गाइस? फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। स्पिरिट थाइलो, वो नाइस, स्पिरिट वाले थाइलो के दर्शन हो गए गाइस यहाँ पे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 1300 मीटर दूर ना, संभल के। यहाँ पे इस पहाड़ी पे कहीं पे हमारा अर्जेंटेविस, उसको जाके बस एक एरो मार के आना है। हियर
लगा एम, देख रहो एम, उसके सारे काटो वाले अटैक से भी बच गया मैं, और उसको मैंने भाई वो भी मार दिया, अपने आरो भी मार दिया ओरिजिन वाली। एम तो है तेरे भाई का, ठीक है ठीक है, तेरे भाई का एम बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर आ भाई, किधर पंगे लेने जा रहे हैं किससे, मेरे पिच्छू पिच्छू आ जा। इसका काटो वाला अटैक काफी खतरनाक होता है, उस अटैक से बस बचना है हम लोग को। अब बेहोश होने वाला भी है, ये हो गया बेहोश भाई, ये हो गया बेहोश हो गया। वेलो उंगली करेगा रुको, वेलो का गेम बजा रहा था। ए डियोडॉन, ए एला भाई, ये क्या रे, इन लोगों को चुल मचती है भाई, टेमिंग इफेक्ट होने से बैंड बजा देगा ये अभी। चलो दे दिया इसको डोस, इसके अंदर किबल डाल दो फटाफट से, एक किबल ले ले। ये हो गया सेलेस्टियल वाला अर्जेंटिवी स्टेम, ये ले भाई सैडल, ये बैठ जाओ इसके ऊपर। और अभी यहाँ पे भाई मैं ओरिजिन विरिजिन बैंडों की बैंड बजाऊंगा, ठीक है। और रुको गाइस रुको, पहले ये ट्रैकर जो है ना, ट्रैकर वाला लोकेशन वो हटाने दो मुझे। ड्रैगन उंगली कर रहा है ऊपर से, लेवल अप कर, जल्दी लेवल अप कर ले भाई, 20-30 मिलियन तो चुकी है मेरी, मिली डैमेज में पॉइंट। रुको मैं इसकी मैक्स लेवल करता हूँ गाइस फटाफट से, मैक्स लेवल करके ऊपर जो ड्रैगन उंगली कर रहा है सबको, उसकी उंगलियां तोड़ने के लिए जाएंगे हम लोग। इसकी 50 मिलियन हेल्थ कर देता हूँ ना, हाँ 50 मिलियन हेल्थ, और बचे हुए बाकी के सारे पॉइंट इसके मिली डैमेज में, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट मिली डैमेज में एकदम दबा के। उसके बाद मैं इसको इम्प्रिंट भी कर देता हूँ, और चलो गाइस ड्रैगन हंटिंग कर ले थोड़ी। अरे यार एक मिनट रुक जावा, लेट मी ओके, इसको माइंड वाइप खिलाने दो। ओनली 50 मिलियन हेल्थ इसकी, एग्जैक्टली 50 मिलियन बस, बचे हुए 64 पॉइंट इसके डालेंगे हम लोग मिली डैमेज के अंदर भाई, ठीक है 64 पॉइंट मिली डैमेज के अंदर डालेंगे एकदम दबा के। ये हो गया यहाँ पे इसका लेवल। अब एक बार इसको क्राइव कर लेता हूँ, अगर कोई ग्लिच वगैरह होगा तो हट जाएगा, फिर चल के सबकी पुंगी बजा डालेंगे गाइस। ओके ये अपना अर्जेंट है विस, आ जा चले चले चले। ओके पहले सेलेस्टियल अर्जेंटिविस का लुक दिखा दो आपको, दिखने में नॉर्मल अर्जेंटिविस, एकदम नॉर्मल अर्जेंटिविस की तरह दिख रहा है, बस इसकी आंखें ब्लू है। अटैक की बात करें तो इसके पास ये भाई बाइट वाला अटैक है, पंजों से मारने वाला अटैक, लेप क्लिक वाला अटैक, डायनो उठाने वाला अटैक है, सी पे एक और पंजों वाला अटैक है, और एक स्पेस का मेन अटैक है जो ये काटो वाला अटैक, ठीक है। ये काटे जिसको भी लगते हैं ना उसकी बैंड बच जाती है। इस काटो वाला अटैक का डैमेज, रुको मैं आपको इसका अटैक डैमेज दिखाता हूँ कितना जा रहा है गाइस, ठीक है। इसका डैमेज देखो, बाइट अटैक 1.4 मिलियन बराबर, डायनो उठाने वाला अटैक है ना ये, इससे डायनो उठते हैं भाई। हेलो भाई सेबर तूत को उठा के लेके जा रहा हूँ, आ जा मेरी जान, ये देखो कैसे उठा के लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी सी वाला अटैक जो है वो अभी डायनो उठाने वाला अटैक है। अभी काटो वाला अटैक की बात करते हैं, 1 मिलियन का डैमेज जा रहा है, ठीक है। काटो वाला अटैक का एग्जैक्ट डैमेज कितना जाएगा वो हम लोग बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करता है कि डायनो को एक ही बार में कितने काटे हमारे लगते हैं, ठीक है। हाँ उंगली कर रहे हो रे, काटे खा लो काटे खा लो काटे खा लो, ये ड्रैगन को चुल मच रही है क्या, ड्रैगन बेटा मास्ती नहीं, ड्रैगन बेटा मास्ती नहीं, ड्रैगन बेटा खल्लास खल्लास, ड्रैगन की सीधा पेटी बना दी मैंने, वो देखो ड्रैगन की लाश, ठीक है। डिपेंड करता है गाइस कि एक ही टाइम पे हमारे कितने अटैक कितने काटे किस डायनो को लगेंगे। देखो अभी इसको मैं एक साथ बहुत काटे मारूं तो 1 मिलियन का डैमेज जा रहा है, वो भी एक काटे का 1 मिलियन का डैमेज जाएगा। इसका क्या सीन है पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको कोई ओरिजिन इस वाले एरिया में, मैं ओरिजिन के ऊपर आपको ट्राई करके दिखाता हूँ इसका डैमेज कैसे जाता है। ओरिजिन यहाँ पे कारनो ही है, चलो कारनो के ऊपर ही ट्राई करते हैं। इसका क्या सीन है बताए, ये जो एक काटे फेंकता है ना, ये वाले ये काटे एक टाइम पे लगभग 3 या 4 लाख का डैमेज दे रहा है एक काटा खाली, ठीक है। एक जो ये काटा फेंक रहा है उसका 4 मिलियन का डैमेज है, लेकिन अगर मैं किसी के एकदम क्लोज रेंज में जाऊँ, उसको पप्पी दूँ, जप्पी दे पप्पी, और उसके बाद ये काटे वाला अटैक करूँ, तो मेरे सारे काटे एक साथ उस डायनो को लगेंगे, और उससे जो डैमेज है वो बढ़ जाएगा, और एक ही बारी में उस डायनो की काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन होगी। अभी हम लोग अर्जेंटिविस के ऊपर आपको ना डेमो करके दिखाएंगे, थ्रोनी ड्रैगन के ऊपर दिखाओ। अबे यार थ्रोनी ड्रैगन नहीं रहने दो यार, वो काटे वाला अटैक भी अटैक डाल दिया ना उसने कुछ से, तो फिर भाई बैंड बच जाएगी अलग से, इसलिए हम लोग जाते हैं ओरिजिन कारनो के ऊपर ही। मैं आपको इसका जो डैमेज है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। क्या हुआ भाई,
मुझे लगा मेरे पीछे कोई पड़ गया। ठीक है चलो आ जाओ, यहाँ पे ओरिजिन वाला कार्नो। वैसे नॉर्मल डैमेज देखना कितना जा रहा है, 2 लाख का डैमेज जा रहा है, 2 से 3 लाख ना, 2 लाख ही, 3 लाख तो नहीं जा रहा, 2 लाख ही जा रहा है। ये क्या हुआ, ये कार्नो की पैंट बच गई। What? अब दूसरा यहाँ पे आजू बाजू कोई है ओरिजिन? हाँ नजदीक है ना, अर्जेंट डेविस है यार। अर्जेंट डेविस को मारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो हवा में एक जगह पे खड़ी नहीं रहती है, सो इसलिए उसके ऊपर काट वाला अटैक डालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करते गाइस, ट्राई करते। चलो आरजी हेलो 290, देखा सारे कांटे लगे नहीं, लेकिन मेरे सारे कांटे लगे नहीं भाई। वो प्रैमल कार्नो के ऊपर 62 मिलियन मिलते प्रैमल कार्नो की, देखना खलास 50 मिलियन डैमेज दिया गाइस, 12 मिलियन तो बचे वो कार्नो की, देखो 12 मिलियन मजाक हो रहा है क्या? काटे डाल 12 मिलियन भी खत्म। कार्नो तू भाई, कार्नो नहीं, आरजी बेटा मस्ती नहीं, इधर आ, काटे सारे इसको लगने चाहिए, रुको सारे काटे इसको लगने चाहिए। वो वो क्या हेल्थ डाउन करी है, 120 मिलियन भाई, क्या हेल्थ डाउन कर रहा भाई, ले 50 मिलियन एक ही बार में, 50-60 मिलियन या कभी कभी 100 मिलियन भी हेल्थ डाउन कर रहा हूं मैं, डिपेंड करता है मेरे सारे काटे उसको लग रहे कि नहीं उस पे भाई, हवा टाइट भाई इसकी भाई। हमारा अर्जेंट इस खतरनाक तो है भाई, हमारे इस सिलेस्टियल पावर अप भी नहीं करा, पावर अप अभी, पावर अप करा अभी, डैमेज देखो पावर अप के बाद, डैमेज देखो पावर अप के बाद, अब तो भाई पावर अप के बाद तो और भी गंदा डैमेज दिया इसने भाई साहब। पावर अप के बाद एक काटे का डैमेज बताओ ना, एक काटे का डैमेज बताओ कि पावर अप के बाद कितना जा रहा है, 5 लाख जा रहा है, पहले 3 लाख तो पावर अप के बाद 5 लाख भाई एक काटे का डैमेज भाई, मजाक हो रहा है गाइस भाई, इजीली किसी की भी बैंड बजा दी यार मैं इजीली भाई। भाई अर्जेंट डेविस काफी खतरनाक है गाइस, हमारा अर्जेंट डेविस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसकी मदद से हम लोग इजीली बॉसेस की पुंगी बजा सकते हैं। अभी अगला वाला अगर कोई फ्लायर बॉस हम लोग को दिखाना तो उस फ्लायर बॉस को हम लोग हमारे अर्जेंट डेविस से चुम्मी देंगे और पेलम पाल देंगे भाई। ठीक है एक टाइम पे मैं 100-150 काटे फेंक रहा हूँ, एक काटे का डैमेज है 5 लाख का, सारे काटे अगर उसको लगे तो कैलकुलेट कर लो गाइस कितना डैमेज जाएगा, बहुत तगड़ा वाला डैमेज जाएगा गाइस, खतरनाक यार ये अर्जेंट डेविस। मुझे वो सिलेस्टियल वाले इंडोमेस रेक्स जो हमने टेम करा उससे ज्यादा खतरनाक लगा। बाकी आप बताना गाइस आपको हमारा अर्जेंट डेविस कूल लगा या वो बॉस कूल लगा इंडोमेस रेक्स जो आज हम लोग ने टेम करा। ठीक है बाकी तो आज का एपिसोड इसी पावरफुल से और खतरनाक से सिलेस्टियल अर्जेंट डेविस को टेम करने के साथ ये पे खत्म हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस हम लोग ने नए जो दो नए चैनल खोले आर्क पीसी और आर्क मोबाइल वाले, उनको भी जरूर चेकआउट कर लेना, उनका लिंक आप लोग को कमेंट में मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, और कम्युनिटी टैब में जो ना गाइस वो वीडियोस भाई आती रहती है तो कम्युनिटी टैब से भी आप लिंक ले सकते हो और उन दो नए चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क प्राइमल फेयर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। We'll be right back.